कल 15 अगस्त है, इस बार धारा 370 के बाद पूरे देश में एक हम कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भी आप लोगों ने अलर्ट कर रखा है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है खासकर 15 अगस्त को देख के, क्योंकि फेस्टिवल भी है, तो क्या आपने सख्त इसके निर्देश दिए? देखिए, हम लोगों ने हर एक डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट कर रखा है और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर, और साथ ही साथ अभी हमारा जो बकरीद खत्म हुआ, उस बकरीद को भी हमने बहुत ही चैलेंज के रूप में लिया। वहाँ उस दिन हमारे बकरीद के दिन ही लास्ट मंडे ऑफ श्रावण मेला था, जिसमें हमेशा ये संभावना बनी रहती थी कि नमाजी जब लौट रहे हैं नमाज़ पढ़कर और उधर से कांवड़िया आ रहे हैं, तो उन दोनों में कोई क्लैश ना हो। फॉर्चुनेटली पूरी हमारी सतर्कता के साथ हमने पूरे प्रदेश में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों फेस्टिवल्स को मनाया। अब हमारी बड़ी चुनौती 15 अगस्त और रक्षाबंधन है। 15 अगस्त के मद्देनज़र रखते हुए और कश्मीर की हालत को देखते हुए हम लोगों ने ये सोच रखा है कि किसी भी दशा में हम यहाँ कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये निर्देश दिया है कि जितने भी क्राउडेड स्थान हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मॉल्स हैं, बाजार हैं, हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के प्रांगण के क्षेत्र हैं, इन सबों में हम अपने विजिलेंस को स्टेप अप करेंगे, पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे, सतर्कता विशेष रूप से रखेंगे और साथ ही साथ इंटेलिजेंस मशीनरी को गियर अप करेंगे, ताकि हम एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नज़र रख सकें, एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर नज़र रख सकें, और कोई भी अगर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने की का निर्देश दे दिया गया है। अभी तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यूपी परिप्रेक्ष्य में नहीं है, लेकिन हम सतर्क हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार ये माहौल हमारा बिगड़ ना पाए। फेस्टिवल भी है, रक्षाबंधन भी है, तो इसको लेकर आपको लगता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और या आपने दिया है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि रक्षाबंधन जो हमारा 15 अगस्त के साथ मर्ज कर रहा है, उस दिन हम महिलाओं की ओर विशेष ध्यान देंगे, उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो, उनके साथ कोई अपराध न घटित हो, और वो बहुत ही स्वतंत्र और बहुत ही स्वच्छंद तरीके से अपने भाइयों से मिलने और भाइयों से राखी बंधवाने जा सकें। इसलिए हम जितने भी बस स्टैंड्स हैं, जितने भी मेट्रोज के हमारे कंपार्टमेंट्स हैं, उन सबों में हम पुलिस की व्यवस्था रखेंगे, और साथ ही साथ एक जनरल अलर्टनेस है जिससे हम पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस पिकेट्स लगाएंगे और पेट्रोलिंग कराएंगे। सर, एक और इशू है, आपकी तरफ से डायरेक्टिव्स दिए गए हैं सभी जगह, खासकर ये जो नमाज सड़क पर होती है, इसको लेकर के क्या आपकी तरफ से डायरेक्शंस दिए गए हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया कि इससे कई जगहों पर क्लैशेस भी हुए, कुछ लोग उसको देखते हुए, नमाज को देखते हुए वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आपकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं जो जिसमें, और वो कितने इसको इम्प्लीमेंट हो स्ट्रिक्टली, इसको भी ध्यान में रखा? देखिए, इसकी शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी। अलीगढ़ प्रशासन ने इस प्रकार का एक वातावरण बनाया और उन्होंने कई संप्रदायों से मिलकर और पीस कमेटी की मीटिंग बैठाकर उन्होंने ये बात को बताया कि किसी भी दशा में हम नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं मस्जिदों के बाहर स्ट्रीट्स पे ना आए, सड़कों पर ना आए, जिससे कि यातायात बाधित हो सके। यही व्यवस्था हमने अन्य कम्युनिटीज़ के लिए भी किया और इसका बहुत अच्छा नतीजा आया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारा नमाज अदा हो रहा है। साथ ही साथ हमने मेरठ में इस बकरीद के अवसर पर उन लोगों ने बहुत ही अच्छे अनुभव प्रयास किए और इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्यों न हम दोनों कम्युनिटीज़ को मिलकर इस बात के लिए प्रेरित करें कि कोई भी ऐसा कार्य हम न करें जिससे आम जनता को असुविधा हो, और ये भी प्रयोग हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इस प्रयोग को हम पूरे प्रदेश में अब लागू करना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि धार्मिक स्थानों पर जब भी नमाज या कोई आरती की व्यवस्था हो तो उसमें कोई भी व्यक्ति उसको एक्सटेंड करके, स्पिल ओवर करके सड़कों पर ना आ जाए, ताकि यातायात सामान्य जीवन के लिए और सामान्य लोगों के लिए बाधित हो सके। तो ये हमारा रेप्लिकेशन जो है प्रदेश के सभी जनपदों में होगा और इस तरह के मौखिक निर्देश हमने कहा है कि पीस कमेटी की मीटिंग बुलाकर और आपसी सौहार्द का वातावरण बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई शुरू की जाए, और मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग हमारा सफल रहेगा। तो इस प्रयोग को आप स्ट्रिक्ट एक्शन के रूप में भी लेना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों पर क्लैशेस होने की उम्मीद आई, ज्यादातर दो कम्युनिटीज में, या इसको लोगों ने एक नाक का सवाल बना लिया कि साहब हम भी करेंगे। नहीं, अभी तक हमारा ये अनुभव रहा है कि इस
पर्टिकुलर इस विषय पे कोई क्लैशेस नहीं हुए हैं, लेकिन संभावना बनी रहती है। और यही कारण है कि हमारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों चैतन्य हैं, दोनों सजग हैं और दोनों ही एक्टिवली इस ओर ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ कोई पब्लिक इंटरफेस होता है उसमें हमारे ऑफिसर्स तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम वो बहुत अच्छा है। और उसी रिस्पॉन्स टाइम की वजह से हमने पिछले वर्ष 70,000 से अधिक प्रोसेशंस को सकुशल निकाला। मैं कुंभ मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय प्रवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य जो हमारे यहाँ प्रोसेशंस निकलते हैं, 2018 में 70,000 से ज़्यादा प्रोसेशंस निकले। और इस बार भी हमने सारे प्रोसेशंस को, सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही अच्छे ढंग से मनवाया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग जो हैं वो काफ़ी चैतन्य हैं इस मामले में, और वो पब्लिक इंटरफेस में इस तरह की बातों में रिस्पॉन्स टाइम हमारा बहुत अच्छा है। जी,